हरियाणा में निवेश को लेकर सीएम मनोहर लाल खट्टर एक्टिव हो गए हैं। आज चेन्नई में निवेशकों से करेंगे मुलाकात। गुड़गांव में होने वाली दो दिवसीय इन्वेस्टर्स मीट का देंगे न्योता। दिल्ली और कोलकाता के बाद अब हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर चेन्नई में निवेशक रोड शो करेंगे। हरियाणा में निवेश लाना है मकसद। हरियाणा में लोगों को विश्व स्तरीय चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इंडो यूके हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड लाएगी 1,000 करोड़ का प्रोजेक्ट। 3,000 लोगों को मिलेगा रोजगार। हरियाणा सरकार और इंडो यूके हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड के बीच हुआ समझौता। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने यह कहकर नया विवाद खड़ा कर दिया है कि जो लोग गौमांस खाए बिना नहीं रह सकते उन्हें हरियाणा में आने की जरूरत नहीं है। विज के मुताबिक राज्य में लागू कड़े गौ संरक्षण कानून के नाते ऐसे लोगों को हरियाणा नहीं आना चाहिए। हरियाणा के गुड़गांव में 23 मार्च को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के शहीदी दिवस पर भारत केसरी कुश्ती दंगल का आयोजन होगा। हरियाणा के खेल एवं युवा मामलों के मंत्री अनिल विज ने चंडीगढ़ में कुश्ती से जुड़े विख्यात खिलाड़ियों और विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक में ये जानकारी दी। खट्टर सरकार को जाट आरक्षण के मसले पर राहत मिल गई है। सीएम खट्टर से मिले आश्वासन के बाद जाटों ने 15 फरवरी से शुरू होने वाला अपना आंदोलन 31 मार्च तक के लिए टाल दिया है। इसके साथ ही नरवाना में चल रहा जाट अनशन भी खत्म हो सकता है। हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष सुभाष बराला नरवाना में अनशन खत्म करवाने के लिए पहुंचेंगे। आपको बता दें कि जाट आरक्षण की मांग को लेकर 15 फरवरी से हरियाणा जाम की चेतावनी दी गई थी। पंचकुला में लॉन्च हुई एसएल ग्रुप की अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम। आशा 2022 16 से 23 लाख रुपए में खरीद सकेंगे अपना घर। आशा 2022 स्कीम आधुनिक सुविधाओं से लैस होगी और तमाम सुविधाएं यहां पर आपको इन अफोर्डेबल हाउसेस में मिलेंगी। केंद्रीय कृषि मंत्री राधामोहन सिंह करनाल में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान पहुंचे, जहां उन्होंने कृषि और किसान की हालत पर फिक्र जाहिर की है। राधामोहन ने कालकी भवन और नर्मदा हॉस्टल का भी उद्घाटन किया। हरियाणा में प्राइवेट एम्बुलेंस के पहिए जाम है। 3 दिन से प्रदेश में एम्बुलेंस चल नहीं रही है और इसकी वजह से जो मरीज हैं वो खासे परेशान नजर आ रहे हैं। हरियाणा सरकार द्वारा पैसेंजर गुड्स टैक्स में 600% वृद्धि के खिलाफ फरीदाबाद समेत हरियाणा में एम्बुलेंस संचालकों की हड़ताल दूसरे दिन भी जारी रही। एम्बुलेंस संचालकों का आरोप, जब तक सरकार टैक्स वापस नहीं लेती तब तक हड़ताल जारी रहेगी। हिसार में हरियाणा एम्बुलेंस वेलफेयर एसोसिएशन ने अपनी मांगों के समर्थन में जारी रखी है अनिश्चितकालीन हड़ताल। एम्बुलेंस की हड़ताल से प्राइवेट हॉस्पिटल की व्यवस्थाओं पर पड़ रहा है असर। प्राइवेट एम्बुलेंस संचालकों की हड़ताल से मरीजों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि हालात से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से 102 नंबर सेवा जारी की गई है। फरीदाबाद में स्कूटी सवार एक दंपत्ति को टक्कर मारकर भाग रहे कार चालक की लोगों ने जमकर धुनाई की है। पिटाई का वीडियो वायरल हो गया है। गुस्साए लोगों ने कार के शीशे तोड़े। सीएम सिटी करनाल में किताबों के बदले देश का भविष्य बना रही हैं सड़कें। लिबर्टी चौक से अंबेडकर चौक तक बनने वाली स्मार्ट सड़क पर पीडब्ल्यूडी विभाग करवा रहा है बाल मजदूरी। चंडीगढ़ को अमन पसंद शहर कहा जाता है, लेकिन कुछ मंचलों ने स्कूलों के बाहर दहशत फैला रखी है, जिसकी वजह से स्कूल के बच्चे स्कूल से बाहर निकलने से भी डरने लगे हैं। बच्चों के माँ बाप और स्कूल प्रशासन ने कई बार इन मंचलों पर कार्रवाई की मांग की है, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। चंडीगढ़ पुलिस के साइबर सेल की टीम ने फर्जी बैंक कर्मचारी बन लोगों को फोन कर उनके क्रेडिट कार्ड और एटीएम की डिटेल्स लेकर ठगी करने वाले एक गैंग के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। दिल्ली से सटे साइबर सिटी गुड़गांव में एक नर्स ने अस्पताल में ही काम करने वाले 2 युवकों पर गैंगरेप का आरोप लगाया है। गुड़गांव पुलिस ने सिटी पुलिस थाने में दोनों आरोपियों के खिलाफ गैंगरेप और जान से मारने की धमकी देने का मामला दर्ज किया है। एक आरोपी इसमें गिरफ्तार किया गया है। गुड़गांव के पाला विहार थाने में पूर्व मेजर जनरल सतबीर सिंह समेत 3 लोगों पर मामला दर्ज। इंडियन एक्स सर्विस मूवमेंट सोसाइटी के अकाउंट से पैसे निकालने के मामले में कोर्ट के आदेश के बाद दर्ज हुई FIR। चंडीगढ़ के सेक्टर 10 स्थित गवर्नमेंट आर्ट कॉलेज से हेरिटेज फर्नीचर की चोरी मामले में चंडीगढ़ पुलिस को आरोपी पूछताछ के बाद
बड़ी कामयाबी मिली है, पुलिस को चोरी के बाद फर्नीचर की नीलामी की डिटेल्स मिली हैं। एनजीओ राउंड टेबल इंडिया के चंडीगढ़ चैप्टर द्वारा इंस्टीट्यूट फॉर द ब्लाइंड के लिए फंड जुटाने के लिए प्रयास के तौर पर एक अद्भुत कार रैली करने की घोषणा की गई है। इस ब्लाइंड मैन रैली का आयोजन 14 फरवरी को सुबह 9 बजे किया जाएगा। कुरुक्षेत्र में एक गांव ऐसा है जो साल भर मुनाफे की महक से सारा बोर है। ये महक उठती है खेतों में लहरा रहे फूलों की फसल से। कुरुक्षेत्र जिले का ये पूरा गांव फूलों की खेती करता है और अब आप आपको बता दें कि दूर से व्यापारी भी यहां पर फूल खरीदने आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सूरज कुंड मेले में देश के साथ साथ विदेशी रंग भी जमकर देखने को मिल रहे हैं। विदेशी कलाकारों की परफॉर्मेंस का लोग यहां पर जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। फरीदाबाद में सूरज कुंड मेले में डांस परफॉर्मेंस में देशी विदेशी कलाकारों ने बांधा समा। किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, रूस के अलावा नामबिया के कलाकार भी कर रहे हैं परफॉर्मेंस।